नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल एजुकेशन पॉइंट पी के फॉर यू पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आने वाले हर एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में वैसा ही क्वेश्चन लिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले के 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी जाकर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। इससे पहले आपको हम और ये बता देना चाहते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन अपलोड किया गया है, लगभग एमएस वर्ड को पूरा कवर किया गया है। पहला सवाल की ओर, एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? जो एमएस वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, ब्लैंक एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाईं तरफ से किसी अकेले करेक्टर को मिटाने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं? यहाँ पूछा गया आपका बाईं तरफ, तो बाईं तरफ के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। अगर दाईं साइड बोली जाए, राइट साइड, तो हम डिलीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। नेक्स्ट, कट कॉपी तथा पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ये आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। वैसे इसका जो उत्तर होगा आपका, कट के लिए Ctrl+X होता है, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, जब कोई यूजर किस चीज़ पर माउस को ले जाता है तो उसका जो आकार है हैंड के तरह हो जाता है, हाथ के तरह, जिसका सही उत्तर होगा आपका हाइपरलिंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, Ctrl+Home। ये सवाल आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया गया था। नेक्स्ट, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका F7, जो कि ऑप्शन ए में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर रट लें। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेज लेआउट टैब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा लाइन स्पेस, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर होगा एक विंडो को दो भाग में बांटना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका सही उत्तर तो आप जानते होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में इस तरह के सवाल को बता दिया गया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड नोट को पेज में कहाँ जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराग्राफ के अंत में, जो कि नेक्स्ट। एमएस ऑफिस में मिनिमाइज तथा मैक्सिमाइज जूम की साइज क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 से 500। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 14। पहला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए ब्लैंक विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किस विंडोज का प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसका? तो यहाँ आपने आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जाए
तो आप समझ जाएगा कि एमएस वर्ड का चर्चा हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 32 GB। नेक्स्ट, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना इंच आगे जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1/2 इंच। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंट लेआउट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिव्यू टैब। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज लेआउट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 8, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्रो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? जो सही उत्तर हो जाएगा टॉप पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्चिंग। नेक्स्ट, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जस्टिफाई। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर कहाँ पहुँच जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बुलेट्स। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किसमें मापा जाता है? सही उत्तर है आपका पॉइंट्स, ऑप्शन सी। ये आपका पार्ट 14 समाप्त हो चुका। अब चलेंगे पार्ट 15 के तरफ। इससे पहले की भी 3 वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप वहां जाकर उन सारे क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि एमएस वर्ड से इस चैनल पर लगभग 300 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, तो आप सारे वीडियो को देख कर जाए ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी सवाल ना छूटे। अब चलेंगे सवाल नंबर 1, जो कि पार्ट 15 का है। इसमें पूछा गया कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर ब्लैंक किसके तरह दिखाई पड़ता है? जब टेबल हम बनाते हैं तो पॉइंटर किसके जैसा दिखाई देता है? पेंसिल के जैसा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक फाइल जिसमें पूर्ण निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है क्या कहलाता है? ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है, आपका टेम्पलेट्स। किस फाइल में फाइल को खोलने से बंद करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी फाइल मेनू। नेक्स्ट, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय किसके? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी टूल्स। डॉक्यूमेंट्स के अंत तक पहुंचने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस इंड की। नेक्स्ट, वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है? सही उत्तर है आपका डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, कौन सी की का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन विस्तृत जानकारी देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर टूल टिप। नेक्स्ट, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस टैब का पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका होम टैब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए किस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे सटीक उत्तर होगा? तो डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है तो आपको तो मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है आपका रिफरेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप किसके जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं? ये भी पिछले वीडियो में बता दिया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी ब्रासर रिज्यूम रिपोर्ट। नेक्स्ट, किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस और कीबोर्ड, जो कि ऑप्शन डी में है ए और सी, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा 45 क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब चलेंगे अगले पार्ट 16 पर। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? सही उत्तर है आपका डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, इसे क्या कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाईं तरफ से किसी अकेले करेक्टर को मिटाने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? इसका भी जवाब अभी तुरंत बता दिया गया था पिछले सवाल में। नेक्स्ट, ये भी बता दिया गया, इसका भी आप उत्तर खुद से ढूंढें। इंसर्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ले जाने के लिए किसकी का प्रयोग किया जाता है? इसका भी सही उत्तर आप जानते होंगे कंट्रोल प्लस होम ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें कुछ ऐसे भी सवाल लिए गए हैं जो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, ये इसलिए लिया गया है ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कितना याद है। चलते हैं 9 नंबर सवाल पर, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F7 ऑप्शन ए, ये भी बता दिया गया है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? सही उत्तर है आपका पेज लेआउट टैब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लाइन स्पेस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक विंडो को दो भाग में बांटना ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका Ctrl+N। नेक्स्ट, एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका पैराग्राफ के अंत में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, MS ऑफिस में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जूम साइज कितने थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 का सी, 10 से 500। ये आपका लगभग 60 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आपके पास आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।